हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो भी आपको अच्छे कर देते हैं, क्योंकि होली आती जा रही है करीब, और होली के गाने होली के मौसम में ना बजें तो क्या फायदा उन गानों का। बिल्कुल। तो एक ऐसे रंग भरे, जोश भरे, मस्ती भरे गाने का रिएक्शन लेके आ गए हैं आपके सामने। गाना है वन एंड ओनली खेसारी लाल यादव का, और गाने का नाम है बतार आइए होली के बाद। तो चलिए गाना सुनेंगे, गाने को एंजॉय करेंगे। ये गाना फुल ऑन एनर्जेटिक होने वाला है, और आपको बता देते हैं गाना किसी ने सजेस्ट किया है। गाना में सजेस्ट किया है अभी यादव इंटरटेनमेंट, आकाश यादव, अंकित यादव, बबलू कुमार, कोबरा मिथुन, दीपू कुमार, अमन यादव, इरशाद अरशदुल्ला, मैंने भी खेसारी ग्लोबल स्टार, खेसारी यादव 2.0, मंदीप कुमार कुशवाहा, मौर्य मनीष, न्यू यूजर, नीतीश एनके यदुवंशी, प्रदीप कुमार, रामजी यादव, रवि यादव सिवान, सद्दम खान, मैंने भी ये बोला है, विजय यादव वीके, यो धर्मेंद्र जय कार मुबारकपुर UP50, आए इतना लंबा नाम, जिसान जेके जी, प्रदुमन गोरखपुरिया, सुनील यादव रियल टैलेंट, अभिषेक यादव। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और आपको एक बात बताने वाला हूँ, जैसे नेहा क्या कि वो लंबा नाम आ गया, तो इतना तक कर सकती है ये कि भाई एडिटर को बोल के कि भाई मेरे नाम छोटे छोटे रखा करो जो मेरे को लेने होते हैं, और बड़े बड़े नाम इन वाले उसमें डाल दिया करो पहले से स्टार्ट करके। तो ये भी कर सकती है, पूरा डाउट है मेरे को। तो मेरे प्यारे भाइयों, गाना सुनते हैं, गाना औसम होने वाला है क्योंकि होली का है, और हम एक महीने से होली को एंजॉय कर रहे हैं आने से पहले। क्या क्या ऐसे बोल रहे हैं जैसे एडिटर के पास ये तो बैठते नहीं, मुझसे ज्यादा टाइम आप एडिटर के साथ गुजारते हो, और मुझे लग रहा है कि आप ये काम कर चुके हो, क्योंकि दोस्तों लोग वही, मतलब मैं वही चीज देखूंगी ना जो पहले मेरे दिमाग में आ चुकी है। तो आपके दिमाग में इतनी बड़ी बात आई कैसे कि आपने कर दिया होगा ये? मैं ऐसा नहीं हूँ दोस्तों, सबको पता आप कैसे हो, सबको पता है दुनिया क्या, दोस्तों कुछ और है लेकिन रियल अभी में... तो सबको पता है मैं क्या, आप हाँ, कैसे हूं? तो पता है ना थोड़ा सबको थोड़ा पता है मैं कैसा हूँ। बहुत अच्छा हूँ, शक होने लग गया लोगों को आप पे। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत क्यूट हूँ, बहुत इनोसेंट हूँ, मुंह मियां मिट्ठू। मैं बहुत इतने इल्जाम लग रहे हो ना तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना पड़ता है। ऐसे बोलो दोस्तों, मैं बहुत मुंह मियां मिट्ठू हूँ। दोस्तों मैं बहुत मुंह मियां मिट्ठू हूँ, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि नेहा ने बोला है। नेहा तो पता नहीं क्या क्या बोलती है दोस्तों, बोलती है वो बोलना पड़ता है बस लंबे। नहीं तो पता नहीं क्या हाल होगा, क्या होगा क्या नहीं, किसी को, आप लोगों को तो क्या पता है, कैमरे में भी कैप लग जाएगी थोड़ी देर बाद, उसके बाद मेरा क्या होने वाला है आपको क्या पता। घर वाले भी देखते हैं वीडियो, सोचेंगे पता नहीं जो तन नेहा ही करवाती तो मेरे प्यारे भाइयों, चैनल सॉरी गाना देखेंगे अभी, एंजॉय करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को, आपके अपने यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब कर लो। आप जो हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं हो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नेहा का व्लॉगिंग चैनल है वहाँ भी सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग हमें जानना चाहते हो। अगर आप लोगों को हमारी जोड़ी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर लो व्लॉग चैनल पे भी, क्योंकि आप लोग हमें और अच्छे से जान सकोगे। तो चलिए गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। Worldwide entertainment. Click on the bell icon to get regular updates from Venus. Bell icon पे क्लिक कर लें रोज के regular अपडेट लेने के लिए on Filmy Reaction Channel. बता आइए। करा से ले हब सवा भतारे आई है होली के बाद, के करा से ले हब सवा भतारे आई है होली के बाद, देवरा तो गाइल सोहर कैसे रहब फगुआ भार, पल पल तयावे लाई भतारे आई है के करा से ले हब सवा भतारे आई है होली के बाद, हमर तड़पे जवानी
गए मैं हर के परेशानी के हुदू सर कमानी जेके मरद ना दर्द का जानी हो मजा कोली होई बर्बाद भतारे होई है होली के बाद के डाली फसल में खाद भतारे आई है होली के बाद काहे कहिला गवनावा तारे आई है होली के बाद धनंजय भी करे ले विवाद भतारे आई है होली के बाद देवरा तो गईल सहर कैसे रहब फगुआ भा पल पल तयावे लैया भतारे आई है होली के बाद से ले हब सवा भतारे आई है होली के बाद. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusbo. Awesome, mind blowing. सच में कैसा गाना था नया? बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा अच्छा? बहुत ज्यादा अच्छा था. बहुत 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 ज्यादा अच्छा. बहुत ज्यादा अच्छा. बिल्कुल सच में बहुत ज्यादा अच्छा था. मतलब आवाज तो अच्छी थी लेकिन जब इस टाइप का गाना होता है ना तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ सच में यार. जो इनके साथ में जो एक्ट्रेस थी, जो को डांसर्स थी, वो अच्छा डांस कर रही थी और जो लड़की थी वो भी अच्छा डांस नहीं कर रही थी. उसके साथ वाली डांसर भी अच्छा डांस नहीं कर रही थी क्योंकि मेन टारगेट था यहाँ पे खेसारी लाल यादव पे. सबको पता है यहाँ से ध्यान हटेगा तो वहाँ ध्यान जाएगा ना. मेरे तो गया भी नहीं इतना. हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं. लेकिन ये सबसे बड़ी मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हो ना किसी चीज़ में तो आपके साथ एक और अच्छी चीज़ उतारनी पड़ती है. जैसे कोई लड़की सेम उसमें सेम क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस में उतारनी पड़ेगी जिसका परफॉर्मेंस लेवल सेम हो लेकिन ऐसी कोई मिल ही नहीं पाती. एक यामिनी सिंह है वो मैच कर पाती है क्योंकि उसके एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरत हैं और साथ में वो डांस भी अच्छा कर लेती है. क्यों? लेकिन ये लड़की मेरे को मैचिंग नहीं लगी. काजल भी बहुत अच्छा करती है. अक्षरा बहुत अच्छा करती है. केमिस्ट्री अच्छी है ना. अक्षरा बहुत अच्छा करती है. बस और इन तीनों के सिवाय में कोई इनके साथ कोई अच्छा नहीं मेरे को भी लगा कोई मैचेबल. लेकिन ये लड़की जैसी भी थी गाना बहुत अच्छा था. तभी ये ना मतलब खेसारी लाल यादव को पता होता है कि ये चीज सेट हो पाएगी कि तो वो थोड़ा स्क्रीन में ना कर देते हैं इधर उधर. मतलब समझ पा रहे हो ना आप लोग कि मतलब उनको अलग स्क्रीन में रखा हुआ था इनको अलग स्क्रीन में रखा हुआ तो दोनों साथ में नहीं थे. तो गाना बहुत ओसम था. खेसारी लाल यादव ने जो चुनरी ओढ़ी जो ठुमके लगाए हैं मजा ही आ गया. एक्सप्रेशन दिया है मजा ही आ गया. अगर इनके साथ कोई डांसर भी आती है ना तो वो सुनते ही हिल जाती होगी कि डांस करना खेसारी लाल के साथ यार ये तो मुझसे अच्छा डांस करेगा. अगर कर लिया लड़कियों वाले ठुमके लगा दिए तो लड़की की तो इज्जत ही उतर जाएगी. भाई तू क्या लगा रही है ये देख क्या चल रहा है यार. तो साथ वाली को डांसर को भी सोच में पड़ जाता होगा. उसको प्रैक्टिस करनी पड़ जाती है कि अपने डांस स्टेप एक स्टेप सोच के करना पड़ता होगा. एकमात्र भोजपुरी के ऐसे डांसर हैं जिनके साथ अगर कोई लड़की डांस करती है तो वो टेंशन में आ जाती होगी. हाँ रात रात भर उनको ना अपने प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी क्योंकि अगर वो डांस अच्छा करिए तो एक्सप्रेशन नहीं खेसारी जैसे आएंगे. अगर एक्सप्रेशन आ गए तो ठुमके नहीं आएंगे. क्योंकि जब भी आप कोई गाना देखते हो ना तो आप लोग जो मतलब मेरी नज़रों से अगर देखोगे तो आप लोग एक ही चीज़ मैच करते हो क्या अच्छा क्या बुरा है. हमारा तो काम ही है ठीक है तो क्या अच्छा क्या बुरा है. तो सच्चाई कह रहा हूँ लड़कियों के पसीने छुटवा देते होंगे खेसारी लाल यादव की भाई क्या खेसारी क्या डांस कर रही हूँ कैसा रहेगा कैसा रहेगा. क्योंकि पता है ऑडियंस बाद में जज तो करेगी कि खेसारी लाल यादव कितना अच्छा डांस कर रहे हैं. लड़की को देखो वो चाहे कितनी अच्छी डांसर हो लेकिन मैचअप कर पाना इतने अच्छे डांसर के साथ वो मुश्किल हो जाता है. और मुझे लगता है कि इनको कोरियोग्राफर की भी नीड नहीं पड़ती. ये खुद ही कोरियोग्राफ कर रही होगी. वो कपिल शर्मा शो में देखा था ना कितना अच्छा डांस कर रही दिखाया था. बिल्कुल
वो इनबिल्ट है, अंदर ही है, अंदर ही है, बाय बोर्न है इनके अंदर वो बात। तो दोस्तों सुपर्ब गाना था, हमने बहुत एंजॉय किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। तो हम इस गाने को यहीं करेंगे ख़त्म, उससे पहले आप हमें इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, और नेहा का व्लॉगिंग चैनल उस पर सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमसे प्यार करते हो तो आपको हमारी जोड़ी अच्छी लगती है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं, तो उस पर भी कर लो सब्सक्राइब। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ख्याल रखें, रखें। टाटा बाय बाय।